दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 21 सूत्री कार्य योजना लागू की जाएगी। गोपाल राय ने कहा कि वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली के आसपास के राज्यों और केंद्र सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। 2016 से 2023 के बीच वायु प्रदूषण में 14.6% की कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में वनरोपण जैसी दीर्घकालिक योजना से वायु प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिली। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 4 साल में 2 करोड़ पेड़ लगाए गए, वृक्षारोपण नीति से मदद मिली और दिल्ली की सड़कों पर 7,545 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें चल रही हैं। ईवी नीति सफल साबित हो रही है और दिल्ली ने अपना थर्मल पावर प्लांट भी बंद कर दिया है, लेकिन NCR राज्यों में इसी तरह के प्लांट अभी भी चालू हैं। गोपाल राय ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ऑड इवन की तैयारी कर रही है, ये प्लान केवल इमरजेंसी उपाय के रूप में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखकर सर्दियों के दौरान कृत्रिम बारिश कराने की अनुमति मांगी है। हम 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच कृत्रिम बारिश की तैयारी करना चाहते हैं, जब दिवाली के बाद और पराली जलाने के कारण प्रदूषण का स्तर चरम पर होने की उम्मीद होती है।